इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 4 मास मीडिया के लिए लेखन। शुरू करते हैं। 1. मास मीडिया लेखन का परिचय। शैली की परिभाषा। मास मीडिया लेखन में शैली का तात्पर्य माध्यम के नियमों और परंपराओं का पालन करना, लेखन में व्यावसायिकता और देखभाल प्रदर्शित करना है। मास मीडिया लेखन का उद्देश्य। मास मीडिया लेखन व्यापक दर्शकों को सूचित करने, मनोरंजन करने और प्रेरित करने का कार्य करता है। मास मीडिया लेखन के अनूठे पहलू। लेखक विविध विषयों जैसे समाचार, फीचर, विज्ञापन, संपादकीय आदि को कवर करते हैं। लेखन व्यापक दर्शकों के अनुरूप तैयार किया जाता है और अक्सर कई सहयोगियों के साथ समय सीमा के दबाव में होता है। 2. प्रिंट मीडिया के लिए लेखन। सूचना एकत्र करना और तैयार करना। प्रिंट मीडिया लेखक प्रासंगिक तथ्य इकट्ठा करते हैं और उन्हें सुसंगत कहानियों में ढालते हैं। लेखन संरचनाओं के प्रकार। प्रिंट मीडिया में समाचार कहानियां और फीचर कहानियां आम हैं, जिनमें प्रभावी संचार के लिए महारत की आवश्यकता होती है। उल्टा पिरामिड संरचना। पाठक की त्वरित समझ के लिए शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रखने पर जोर देता है। मुख्य पैराग्राफ का महत्व। मुख्य पैराग्राफ मुख्य जानकारी प्रदान करता है और पूरी कहानी के लिए टोन सेट करता है। कहानी का विकास करना। लेखकों को सुसंगतता और पाठक जुड़ाव बनाए रखने के लिए जानकारी के अनुक्रम और महत्व को विवेकपूर्ण ढंग से तय करना चाहिए। 3. प्रसारण मीडिया के लिए लेखन। प्रसारण का महत्व। प्रसारण समयबद्धता और सरलता पर ध्यान देने वाला एक व्यापक रूप से सुलभ माध्यम है। प्रसारकों के लिए समाचार चयन मानदंड। न्यूनतम स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाली कहानियों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्धता महत्वपूर्ण है। रेडियो लेखन में भाषा और संरचना। सरलता और क्लिच से बचने पर जोर देने के साथ स्पष्टता और संक्षिप्तता आवश्यक है। दर्शकों के साथ जुड़ाव। प्रसारणकर्ताओं को श्रोताओं को संबोधित करते समय व्यावसायिकता, सम्मान और मित्रता बनाए रखनी चाहिए। 4. टेलीविजन के लिए लेखन। टीवी समाचार की अनूठी भूमिका। टेलीविजन समाचार शब्दों और दृश्यों को प्रभावी ढंग से मिश्रित करके दर्शकों को कार्रवाई के दृश्य में डुबोने का काम करता है। दृश्य समाचार कहानियों में वर्णन। अच्छी तरह से लिखा गया वर्णन दृश्य कहानी कहने को बढ़ाता है, दृश्यों में किसी भी कमी की भरपाई करता है। दृश्यों पर लिखने के लिए दिशा निर्देश। विवरण के साथ अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले कथन से बचें। शब्दों और चित्रों के बीच तालमेल सुनिश्चित करें। घटनाओं के सामने आने पर उनका वर्णन करके दर्शकों को आकर्षित करें, भले ही कालानुक्रमिक क्रम में न हो। चुनौतियां और कौशल। टेलीविजन के लिए कथन लिखने के लिए स्पष्ट भाषा, सटीक समय और दृश्यों के साथ सहज एकीकरण की आवश्यकता होती है। 5. वेब के लिए लेखन। इंटरनेट का तीव्र विकास। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब विशाल संचार क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे लेखन के नए अवसर पैदा होते हैं। वेब लेखन की विशेषताएं। समतावादी प्रकृति में स्थापित लेखन परंपराओं का अभाव है। दर्शकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता, विषय की निपुणता, समय सीमा को पूरा करना और अभिव्यक्ति की स्पष्टता की आवश्यकता है। हाइपरटेक्स्ट संरचना। वेब लेखन अक्सर हाइपरटेक्स्ट का उपयोग करता है, जिससे सूचना के परस्पर जुड़े बिट्स के माध्यम से नॉनलाइन या नेविगेशन की अनुमति मिलती है। वेब लेखन कौशल। जानकारी को छोटे श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित किया जाना चाहिए। शीर्षक, उपशीर्षक और सारांश पाठक नेविगेशन को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभावी वेब सामग्री के लिए ग्राफिक्स और टेक्स्ट का एकीकरण आवश्यक है। लेखन प्रक्रिया और सुधार। लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पढ़ने और अभ्यास के माध्यम से अनुशासन, धैर्य और निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है।
आपको इस वीडियो के नोट्स pmkclasses.blogspot.com पर मिलेंगे। लिंक विवरण बॉक्स में दिया जाएगा, कृपया इसे देखें। धन्यवाद।